डलमा के चेकनाका गेट पर पहुंच चुके हैं और यहां पर सभी का टिकट कटाना होता है। ये देखिए, ये हमारी टिकट कट चुकी है, प्रवेश अनुज्ञा पत्र, जिसमें दो बाइक में तीन लोग हैं, ₹2 प्रति व्यक्ति और ₹20 प्रति बाइक। तो आइए चलिए अभी दलमा अभयारण्य का मजा लिया जाए और हमारे साथ बने रहिए। अभी आप लोग हाथी घोड़ा बाघ भालू सब देखने को मिलेंगे, डरिएगा नहीं। क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। दलमा तक 12 किलोमीटर। मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो काफी बड़ी बड़ी पत्थरें थी उस जगह में, मुझे याद है बिल्कुल यहीं पर। और गगन भाई के साथ में आया था, काफ़ी मुश्किल हो गई थी हम लोग को चढ़ाई चढ़ते हुए। कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ पर, चंदन भाई लोग भी फोटो शूट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह पहाड़ी रास्ता में चलाने का, एक अपने ही मजा है। आपको काफ़ी सावधानीपूर्वक चलाना होता है, मैं अभी जस्ट सीख रहा हूँ। ये सेल्फ टेस्टिंग है पहाड़ी रास्ते में बाइक राइडिंग का। आज देखते हैं धनों का क्या होता है। ये देखिए, वाह वाह, जबरदस्त कर्ल हुआ है। रास्ते का फूल उबड़ खाबड़ है, इसलिए तो बच्चे लोग फोटो शूट कर रहे हैं। काफी
रोमांटिक जगह है, लेकिन डरावना भी है। ऑक्सीजन अगर आप आते हैं तो काफ़ी मुश्किलें भी हो सकती हैं। यहाँ अगर ऊपर में बाइक पंचर हो जाता है तो आपको 15 किलोमीटर यहाँ से मेन रोड तक जाने में लगेगा। जगह के बारे में क्या बताऊँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। डलमा सर्च कीजिए गूगल में और आपको डलमा से जुड़ी हुई ढेरों जानकारियाँ, वीडियोज, बहुत सारे कुछ मिल जाएंगे आपको। तो डलमा के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊँगा, जो रास्ता में मेरे को मुझे दिख रहा है, बस आप वो देखते जाइए। यहाँ पर जगह जगह में सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। केला किसी भी कब नहीं, चलो बस चल 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 जागरूक होने का भी आवश्यकता है। हम पेड़ों को काट दे रहे हैं, और पेड़ों को तो नहीं काट रहे हैं, हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दे रहे हैं।
काफी खूबसूरत नजारा है जंगलों से खिले हुए, वाह मजा आ रहा है। मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने दलवा नहीं घूमा तो एक बार जरूर यहाँ आए और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। पहले मैं जब आया था तो थोड़ी सी भी पक्की सड़कें नहीं थी, अभी तो अच्छी खासी पक्की सड़कें बन गई हैं। ये सारी जगहों में बंदर हुआ करते थे, अभी रोड के किनारे के कुछ पेड़ काट के हटा भी किए गए हैं ताकि थोड़ा साफ दिखे। ये देखिए सफाई अभियान भी चल रहा है और ये हम लोग पहाड़ के बहुत ऊंचाई पर आ गए हैं। यहाँ धूप भी थोड़ा लग रही है। काफी ऊंचे आ गए हैं। Thank you.
यहाँ शायद सुबह सुबह बारिश हुई है, सड़कें भीगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। पहाड़ यहाँ पर हम लोग एक और दूसरे पहाड़ में अभी हम लोग जा रहे हैं। पेड़ों से पूरी तरह ढकी हुई है, आप देख सकते हैं काफी घने जंगल में हम लोग घुस गए हैं। ये देखिए यहाँ तो पूरा छांव ही छांव है भाई। सावधान, हाथी भवन बाहुल्य क्षेत्र। ये रेस्ट हाउस है, ये रेस्ट हाउस
फोटो ना वाइट है फोटो ना वा फोटो रास्ता भीतरे की ऑन द वे अभी हम लोग हिल टॉप पर पहुंच गए हैं और यहाँ चने की खुशबू ने हम लोगों को खींच लिया है। यहाँ अभी हम लोग चना के स्वाद का मज़ा लेंगे। देखिए